हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल। और आप सब AKTU की काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट है कि मैम, जो आपने वीडियो बनाए थे उनमें ये था कि 8 अगस्त जो है वो लास्ट डेट है आपके रजिस्ट्रेशन की, और जो हमें स्केड्यूल मिला था AKTU की तरफ से ऑफिशियल, जो हमें नोटिस मिला था उसमें यही सारी चीज़ें मैंशन थी जो कि मैंने आपके साथ शेयर की हैं। एक रजिस्ट्रेशन का जो डेट है वो लगभग फाइनल नहीं हुआ है अभी बी फार्मेसी के लिए, है ना, बी फार्म लेटरल एंट्री के लिए, बी टेक लेटर एंट्री के लिए भी कोई फाइनल स्केड्यूल हमारे पास नहीं है काउंसलिंग के लिए या फिर रजिस्ट्रेशन के लिए, राइट। लेकिन स्केड्यूल जो कि हमें AKTU ने प्रोवाइड करवाया था उसमें ये मेंशन था कि ये बी फार्मेसी के लिए भी एलिजिबल है, राइट। आप लोग इससे एग्री करते हो? उसी के बेसिस पे मैंने वो वीडियोस बनाए थे और उसके बाद मुझे आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ा, इसलिए शायद मैं उन वीडियोस पे ध्यान नहीं दे पाई, वो स्केड्यूल हो गई थी। और लगभग मेरे हिसाब से मैंने आप लोगों को गाइड करने के लिए कि मुझे आने में कितना टाइम लगेगा 8-10 वीडियोस मैंने आपके लिए बना दिए थे, लेकिन मैं थर्ड डे ही वापस हूँ और मैं जैसे ही आके आप लोगों के कमेंट्स देखती हूँ तो मैं रेंडमली जैसे मैंने चेक किया तो पता चलता है कि हाँ भाई, काउंसलिंग डिले हो गई है या फिर क्या है, कोई फाइनलाइज डेट हमारे पास नहीं है। काउंसलिंग कब स्टार्ट होगा, रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होगा, AKTU के पास इसका कोई भी इंफॉर्मेशन अभी नहीं है, ना ही हमारे पास इसका कोई इंफॉर्मेशन है, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सारी डिटेल्स सारी इंफॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट है, जो चीजें मैंने वहां पे बताई है वही प्रोसीजर होंगे, वही स्टेप्स होंगे आपके काउंसलिंग के, राइट। जैसे ही बी फार्मेसी के लिए काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी या बी फार्म लेटरल एंट्री के लिए काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी, ओके डियर स्टूडेंट्स। BSP साइंस आपको हमेशा सही और सटीक ही जानकारी प्रोवाइड करवाता है। अगर आपको अपने टीचर पे इतना भी बिलीव नहीं है फिर तो हमारा टीचर होना और आप लोगों का स्टूडेंट होना बिल्कुल बेकार है। थैंक यू।